मेरा सवाल है कि अगर नमाज जुमा में आप जेल से जाते हैं और खुतबा निकल जाता है, क्या दो फर्ज अदा करने से आपका नमाज जुमा पूरा हो सकता है? जुमे का खुतबा है, वो जुमा होने के लिए शर्त है, यानी जुमा की नमाज उसी वक्त होगी जब के खुतबा हो, लेकिन हर एक का सुनना ये शर्त नहीं है ठीक कि तमाम के तमाम नमाजियों ने वो खुतबा सुना हो, ऐसा नहीं है। लिहाजा अगर खतीब साहब ने जुमा की नमाज से पहले खुतबा कहा और आप वक्त पर वहाँ नहीं पहुँच सके, खुतबा आपका निकल गया, जुमा की नमाज के अंदर आप शामिल हो गए, तो जुमा तो आपका हो गया। जुमा में कोशिश यही होनी चाहिए कि खुतबे से पहले ही पहुँच जाएँ। कोशिश करें कि जो खतीब साहब बयान करते हैं उनकी बातों को जाके सुने, ताकि आपको वाज़ो नसीहत के मदनी फूल भी मिलें और आप कुछ अमल भी उस पर कर सकें। और दूसरा ये कि ये दो फ़र्ज नहीं कि आपने दो फ़र्ज पढ़े और आप छलांग लगा के मस्जिद से बाहर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे टाइम पर पहुँचें कि खुतबा शुरू होने से पहले पहले आप चार रकातें सुन्नतें पढ़ लें, और फिर जब फ़र्ज अदा कर लें तो उसके बाद जो चार सुन्नतें हैं, दो सुन्नतें हैं, नफिल हैं, ये सब पढ़ें। जुमा का एहतमाम होना चाहिए कि जुमा मुसलमानों की ईद है, कि एहतमाम के साथ जुमा अदा करना चाहिए। लोग आते हैं बहुत सारे और बिल्कुल एंड टाइम पर आएंगे और ऐसी जगह ढूंढते हैं बैठने सबसे के लिए, निकल भी के सबसे पहले बाहर निकल भी सके, इमाम साहब सलाम फेरें और हमारा कदम मस्जिद के बाहर हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।